सब्सक्राइब कीजिए के इनक्रेडिबल किचन को और बेल आइकन दबाइए हमारी नई रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के इनक्रेडिबल किचन। मेरा नाम है नितिन अलॉन्ग विद माय मॉम कोकिला। फ्रेंड्स, आज जो हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं वो है केसर फिरनी। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे आगे कुछ इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं जो हम यूज़ करेंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं फिरनी को बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम ले रहे हैं फ्रेंड्स 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क। फुल क्रीम मिल्क फ्रेंड्स हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फुल क्रीम मिल्क से हमारी फिरनी काफ़ी गाढ़ी बनती है। हम ले रहे हैं 1/2 कप बासमती राइस। इस बासमती राइस को हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए पानी में सोक कर लिया है, भिगो लिया है, और इसके बाद हम इसे ग्राइंडर में पीस लेंगे 3 से 4 चम्मच पानी मिला के। हम ले रहे हैं 150 ग्राम खोया, तकरीबन 100 ग्राम के आसपास हम ले रहे हैं चीनी, 1/2 टेबल स्पून फ्रेंड्स हम ले रहे हैं केसर, ये तकरीबन 10 पिस्ता है, इसको हमने काट लिया है, ये हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे ऊपर से, ये 10 बादाम है इसे भी हमने काट लिया है, ये 1 टेबल स्पून इलायची है, इलायची पाउडर हमने तकरीबन 7 से 8 इलायची ले लिया है और इसका पाउडर बना लिया है, ये हम ले रहे हैं 2 टेबल स्पून रोज़ वाटर। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप केवड़ा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं फिरनी को बनाना। वेलकम बैक दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है हमारा, कढ़ाई में हम सबसे पहले डालेंगे दूध। दूध हमने डाल दिया है फ्रेंड्स, अब इसे तेज फ्लेम पे, तेज आंच पे दूध को हम उबाल लेंगे। आप इंश्योर कीजिए फ्रेंड्स कि आप दूध को स्टर करते रहे इन बिटवीन, ताकि ये दूध हमारा नीचे लगे ना और साइड से जले ना। दूध फ्रेंड्स हमारा हल्का सा गर्म हो गया, अब हम इसमें से 1 चम्मच दूध निकालेंगे और उसे केसर में मिक्स कर देंगे। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं दोस्तों, अब हम अपनी फ्लेम को मीडियम कर देंगे ताकि दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा हो जाए। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं दूध हमारा काफी हद तक गाढ़ा हो गया है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे हमारे पिसे हुए चावल। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हमने चावल को ऑलरेडी पीस लिया है और इसका इस तरीके से एक पेस्ट बना लिया है। आप इंश्योर कीजिए फ्रेंड्स जब आप इसे डाल रहे हैं उस समय आप इसको स्टर करते रहिए ताकि ये इसकी गुठलियाँ ना बने। फ्लेम फ्रेंड्स हमारी अभी भी मीडियम पे ही है। चावल डालने के बाद फ्रेंड्स तकरीबन हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे ताकि चावल हमारा कच्चा ना रहे। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं फिरनी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले इसमें डालेंगे चीनी, अब इसमें डालेंगे केसर, जैसा कि आप देख सकते हैं केसर डालते हैं इसका कलर चेंज हो गया। फ्रेंड्स, फ्लेम को अब हम मीडियम से लो कर देंगे। अब इसमें डालेंगे खोया, खोया डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, देन पिस्ता, थोड़ा सा पिस्ता फ्रेंड्स हम बचा लेंगे इसे गार्निशिंग के लिए, एंड देन डालेंगे बादाम, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड में फ्रेंड्स इसमें डालेंगे रोज वाटर। इसकी काफी अच्छी खुशबू आ रही है रोज वाटर डालने के बाद। रोज वाटर डालने के बाद फ्रेंड्स इसे 1 मिनट के लिए स्टर कर लेंगे एंड देन उसके बाद फिरनी हमारी रेडी है। फिरनी को हमने अपने सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर लिया और इसे गार्निश किया है
बादाम और पिस्ता से। इसे सर्व करने से पहले फ्रेंड्स तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए इसे रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए और इसे ठंडा सर्व कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक या ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है फ्रेंड्स, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। प्लीज़ फॉलो अस ऑन ट्विटर एंड फेसबुक एज वेल, और हमें अपनी रेसिपी की फ़ोटोज़ या वीडियोस फेसबुक या ट्विटर पे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड हैव अ नाइस डे।